हेलो एवरीवन, और फर्स्ट एड से रैपिड रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का अगला टॉपिक वो है एनएरोबिक बैक्टीरिया। अच्छा, एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं, द वर्ड एक्सप्लेन्स, एनएरोबिक दैट मींस दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए नमोनिक भी बड़ा अच्छा है, जो आई रियली लाइक इट। फर्स्ट एड के बाद नमोनिक्स हैं जो कि बड़े ईजी टू रिमेंबर है ऑब्वियसली, और मुझे बड़े पसंद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनएरोब्स cannot breathe fresh air, so they cannot breathe fresh air, oxygen wali air ye nahi breathe kar sakte, aur har word se important example nikal rahi hai. So anaerobes ki jo typical examples hain wo hain Clostridium can't, cannot, C, Clostridium cannot breathe, B for breathe, bacteroids fresh, Fusobacterium, air, actinomyces. So ये चार examples आपने you have to must remember, लाजमी याद रखनी है। Anaerobic bacteria क्या होते हैं? वो bacteria जो oxygen की मौजूदगी में grow नहीं करते। So they grow in the absence of oxygen. They cannot breathe fresh air. Examples include Clostridium, bacteroids, Fusobacterium, actinomyces. So anaerobes oxygen में grow नहीं करते। यहां से आपको ये mnemonic connect करना है, और जब ये mnemonic connect हो जाएगा तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि सी से क्लॉस्ट्रिडियम, बी से बैक्टीरियोइड, एफ से फ्यूसोबैक्टीरियम। दैट्स प्रीटी इजी टू रिमेंबर थिंग। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट एनएरोब्स इज दैट दे लैक कैटलेज एंड और सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज। अच्छा, अब ये दोनों जो चीजें हैं, कैटलेज और सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स का एक आर्मरी होती है, एक हथियार होता है, जिससे ऑक्सीडेटिव डैमेज को, यानी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को, सुपरऑक्साइड रेडिकल्स को हैंडल किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे कैटलेजेस के बारे में और सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेजेस के बारे में। बट रिमेंबर कि ये दोनों एंजाइम्स, कैटलेज और सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, आर इंपॉर्टेंट टू हैंडल द ऑक्सीडेटिव डैमेज। अच्छा, अगर ये एंजाइम्स मौजूद नहीं है, जैसे कि एनएरोब्स में नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि एनएरोब्स आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव डैमेज। यानी जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होंगी, फॉर एग्जाम्पल H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सुपरऑक्साइड फ्री रेडिकल्स, ये रेडिकल्स जब बनेंगे तो इनको हैंडल करने के लिए ये एंजाइम्स मौजूद नहीं है, तो बैक्टीरिया आर ससेप्टेबल टू द डैमेज बाय दीज फ्री radicals. Okay, now they are generally foul smelling short fatty acids ki wajah se, and they are very difficult to culture, and they also produce gas within the tissue. Aur wo gases kaun si hain? Carbon dioxide for example and hydrogen. So kai sare features yahan ek chote paragraph mein likhe hue hain. Number 1, ye baat yaad rakhni hai ki anaerobes oxygen ki maujoodgi mein grow nahi karte. Number 2, inki examples kya kya hain. Number 3, inme superoxide dismutase, this is point number 3, aur catalase maujood nahi hota. Number 4, they are susceptible to oxidative damage. Number 5, they are foul smelling. Number 6, they produce gases, and number 7, they are difficult to culture. So a lot of characteristics in this short paragraph. Okay, acha, normally ye aapke gastrointestinal microbiota ka part hai. Anaerobes are usually present in the GI tract, but if they are present anywhere else in the body, they may be pathogenic. Okay, ek last bahut important feature hai anaerobes ke hawale se. Ek drug hai, the drug group is called aminoglycoside, aur aminoglycosides anaerobes ke against kaam nahi karte. And what's the reason ke aminoglycosides anaerobes ke against kaam nahi karte? The reason is कि ये जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, और चूंकि ये बैक्टीरियल सेल ऑक्सीजन से, तो इनका वास्ता कोई नहीं, लेना देना कोई नहीं, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो ही नहीं करते, तो जब ऑक्सीजन से इनका कोई लेना देना नहीं है इन सेल्स का, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स काम नहीं करती इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे. सो दिस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक डज नॉट वर्क, इज नॉट इफेक्टिव ऑन एनएरोबिक बैक्टीरिया. ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल थिंग जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स में. अच्छा, एक कैटेगरी, ये तो एनएरोब्स की बात हमने कर ली जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रीथ ही नहीं कर सकते. एक कैटेगरी होती है फैकल्टेटिव एनएरोब्स. फैकल्टेटिव एनएरोब्स का मतलब ये है कि दे मे यूज ऑक्सीजन एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू जनरेट ATP. दे मे यूज, समटाइम्स दे मे यूज, यानी ऐसा नहीं है कि इनका ऑक्सीजन से रिश्ता नाता बिल्कुल ही खत्म हो गया है. दे मे यूज ऑक्सीजन व्हेन रिक्वायर्ड, ओके, बट कैन ऑल्सो यूज फर्मेंटेशन एंड अदर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे. सो इनके पास ये लग्जरी है कि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवेज भी यूज कर सकते हैं, बट दे मे यूज, मैं मे पे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, दे मे यूज ऑक्सीजन एज वेल. ओके,
और इनकी एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाफिलोकोकाई एंड एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स. मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन.